Everyone. Welcome to your P. D. and Sir Shabba. So finally, M. P. P. S. C. has released the much-awaited shortlisting for the interview for the position of Assistant Professor for subject of English. Now you see that your intelligence test, your uh, expert the test which was related to your expertise in that particular subject, English, that has already been done. Now comes the second important step, and that is your interview. Where in actual, your personality is being tested, plus the way you interact with the students, the teaching methodologies you're going to use in the future, the kind of personality you are, everything is going to be tested in that interview and in the short span of 15 minutes. So, you see, you have to give and you have to present the best of yourself in those 15 minutes.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की तरफ से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी परीक्षा 2022 दिनांक 9 छ 2024 रविवार का परीक्षा परिणाम आ चुका है एंड हेयर जो जो जिन जिन लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है द रोल नंबर्स आर ऑलरेडी बेन डेड आप अपने रोल नंबर्स को चेक कर सकते हो एंड इन केस यू वांट टू डाउनलोड दिट आउट आप नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं

द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू ऑल नो कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती है बट वो कैसे पोर्ट्रे करता है कैसे बच्चों को अपने लेक्चर्स में इंगेज करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दे आर कम्स अ रियल टेस्ट ऑफ द यू कैन से योर टीचिंग मेथडोलॉजीज द टीचिंग डेमो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू बहुत बार देखा गया है कि टीचिंग के डेमोज लिए जाते हैं कोई भी आपसे सुना जाता है चल आप कोई पोइट्री है आपकी फेवरेट कौन सी है आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कोई राइटर के कोई वर्क को एक्सप्लेन कर दीजिए कोई फ्रोइ केस पोज करो कोई आप उसके आ, लिटरेरी थ्यूरीज पे जाना चाहते हो क्रिटिसिज्म पे डिस्कस करना चाहते हो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज एंड द वे यू पोर्ट्रेट आउट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो बेसिकली एक सब्जेक्ट का टीचिंग डेमो तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड फॉर दैट

आ, uh, क्या करंट पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सिटी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कितनी सेंटर रिलेटेड हैं सो बेसिक क्वेश्चन अब अब योर सिटी नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सिटी यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एंड यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस यू कैन से द कमेंट वन सो यू बेसिकली हैव टू गेट अ गुड आइडिया एंड गुड रिसर्च अबाउट योर ओन सिटी थर्ड बेसिक स्टेप का आपने अपनी सिटी का कर लिया टीचिंग डेमो कर लिया आप किस पोर्शन में अब आपने आ, सिलेबस प्रिपेयर किया था फ्रॉम यू कैन से ऑल द एजेस यू हैव प्रपेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द चौसर एंड यू हैव द बेस्ट ऑफ द एज लाइक सपोज आपको विक्टोरियन पसंद है या रोमांटिक पसंद है उसमें कौन से आपको राइटर्स पसंद है उसका कौन सा वर्क पसंद है तो बेसिकली एक थोड़ा सा रिकैप दोबारा से ब्रशअप करना अपने स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द बेसिकली द पर्पज इज आपका कोई आपने रिसर्च प्रपोजल पब्लिश किया था या आपने कोई रिसर्च पेपर एक्चुअली हैव यू इट आउट तो आपने वही सब्जेक्ट वही पार्ट क्यों चूज़ किया था आपका आगे फ्यूचर में रिसर्च या फिर पी का प्लान है यहाँ पर भी आप कर रहे हो वट इज योर था ऑन एट क्या एक अच्छा पी एच डी पर्सन ही एक अच्छा टीचर बन सकता है नहीं बन सकता है तो द वेरी बेसिक क्वेश्चन आर बी टेस्टेड इन द इंटरव्यू सो so बेसिकली अगर आप अमेरिकन से आपने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा है लिंग्विस्टिक्स पढ़ा है पोइट्री का आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है कोई राइटर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको थ्योरीज में इंटरेस्ट है क्रिटिसिज्म में इंटरेस्ट है तो वे एक्चुअली इस पोस्ट मॉडर्न जो भी आपने सब्जेक्ट्स कई बार होते हैं हमने कोई सब्जेक्ट किए होते हैं एंड दे आस्क इट आउट आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो यू हैव टू गेट अ गुड रिसर्च एंड बेसिकली वट वी डू इट आउट इज़ कि आपके वो सब्जेक्ट की बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन बाय आस्किंग यू मल्टीपल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टू मीन बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट before you step out in your final interview you're very near your aim but don't forget this interview is actually the real test so prepare your teaching methodologies wisely about your state you have to read it out

Remember three things that that was a very common question in BPSC too and I have seen it out in multiple interviews before they see you as a good teacher. What are the most important traits of a good teacher? तब एक important traits आते हैं ना एक teacher के सबसे important होता है एक learner होना because एक learner ही एक अच्छा एक अच्छा student में एक learner छुपाना चाहिए and that is ma'am I'm a very good learner. Second आता है empathy बनाना अपने बच्चों के साथ

फेवरेट नहीं बना दे रही हूँ आपका सो दैट इज वेयर आई लैक एज अ गुड टीचर एंड नॉट यू सो माई कॉम्युनिकेशन माई सॉफ्ट स्किल्स आर द थर्ड मेजर क्राइटेरिया लाइक पंचुअलिटी डिसिप्लिन इफ आई एम नॉट पंचुअल एंड डिसिप्लिन माई स्टूडेंट्स वॉन्ट एवर बी डिसिप्लिन एंड पंचुअल सो मेनी दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कम्युनिकेट द बेस्ट टू द इंटरव्यू टू क्रैक योर इंटरव्यूज डोंट फोर्गेट टू गो फॉर मल्टीपल स्नैप इंटरव्यूज मॉक इंटरव्यूज बिफोर योर फाइनल सिलेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चुके पास एक्सपोजर होता है एंडफिट का बहुत बेनिफिट था बिकॉज ऑफ दिमुलेन द काइंड ऑफ इनवायरमेंट जो पहले बिल्डअप किया गया था और जो बाद में हुआ था उसने बहुत हेल्प किया था रिमेंबर इट आउट Just go for the wise step and prepare wisely for your uh, this selection. Boha time it takes a long process so it takes time and you're very near to your step and your aim. So prepare to the best and see you soon in the snap sessions and take care. Have a good day. Bye-bye.